नमस्ते जी। पहलवानी हमारे देश में प्राचीन समय से चली आ रही है, मतलब जब जिम भी नहीं हुआ करती थी उससे कई सौ साल पहले पहलवानी चली आ रही है। तो कहने का मतलब इसकी जो नॉलेज है वो एडवांस रही होगी और आज भी है। और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनके पीछे बहुत पावरफुल कारण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लंगोट, अखाड़े की मिट्टी में देसी घी और तेल, मालिश, खाली पेट दंड बैठक। तो भाई ये कोई साधारण नियम नहीं है, इन सब के पीछे बहुत तगड़े तगड़े कारण है। अब ऐसी एक टॉपिक यहाँ से मैंने निकाला है। आज के समय में बहुत सारे युवा में जो दिक्कत चल रही है, एक तो दुबले पतले हैं बहुत सारे भाई, उनका वजन नहीं बढ़ता, और दूसरा जो भाई मसल्स गेन करना चाहते हैं, मतलब सिंपल सी बात है बॉडी बनाना चाहते हैं नेचुरली, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो कि पहलवान हमारे यहाँ अपनाते हैं, अपनाते आए हैं, और जिस नियमों की वजह से पहलवानों में बल बढ़ता है और उनकी नेचुरल मसल्स, इतनी भारी मसल्स, और भाई इतना मसल्स होने के बावजूद भी इतना स्टैमिना, ऐसी ज़बरदस्त बॉडी बनती है पहलवानों की। और भाई दिल से अगर आपको बताऊँ तो ये नियम सच में बहुत फ़ायदा करते हैं यार। आप ये चीज़ कभी नोटिस करना कि जो युवा होम वर्कआउट करते हैं या फिर आज के समय में जो होम वर्कआउट चल रहा है या फिर जिम करते हैं खुद, तो अधिकतर भाई ऐसे होते हैं जिनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगता बॉडी में। बहुत टाइम हो गया जिम जाते हुए लेकिन कुछ भी फ़र्क बॉडी में नहीं लग रहा। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी का टेस्टोस्टेरोन कम है, किसी का ताकत कम है किसी के अंदर, किसी में स्टैमिना कम है, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा, किसी का घट नहीं रहा, किसी की ताकत नहीं बढ़ रही। लेकिन क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है, अखाड़े में जितने भी युवा होते हैं उनको बराबर रिजल्ट मिलता है, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं उनको सबको बराबर रिजल्ट मिलता है। अगर 10 पहलवान है तो भाई 10 के 10 के अंदर आपको स्टैमिना पावर और उनकी बलशाली बॉडी बनेगी। इसके पीछे का कारण है नियम। वो सब हमारे भारत देश के नियमों के हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से हमारे यहाँ बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, और जो असली नियम है जिनसे असली सही तरीके से नेचुरली बॉडी बनती है, अब वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लंगोट, पहले के समय में लंगोट बहुत पहनी जाती थी। इसके पीछे का रीजन ये है कि लंगोट को सेलिबेसी ब्रह्मचार्य से जोड़ा गया है और हनुमान जी से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपके मुंह पर टेप लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोलना नहीं है, चुप रहना है, मुंह का यूज़ नहीं करना। वैसे ही जिस दिन पहलवान ने लंगोट कस ली तो उसके बाद उसको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी होती थी, ना कोई मास्टरबेट, ना कोई सेक्स एक्टिविटी, क्योंकि पहलवानों को सिखाया जाता था सिमर रिटेंशन इंक्रीज स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा ये आप में होगा उतना ज़्यादा ताकत और एनर्जी आपकी बढ़ेगी। और क्या आप जानते हो हमारे देश के सबसे तगड़े तगड़े पहलवान ने भी इसी एनर्जी का प्रयोग किया, इसी नियम को फॉलो किया। इसके साथ साथ पहलवानों को अखाड़े में ही रखा जाता था, लड़कियों से दूर रखा जाता था ताकि पूरा ध्यान और पूरी श्रद्धा गेम के प्रति जाए और दूसरे थॉट्स दिमाग में ना आए फालतू के। इसके अलावा लंगोट में अगला फ़ायदा जो सबसे बड़ा होता है वो ये कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी सेव होती रहती है, बाहर नहीं निकलती, काम आसान नहीं उठती। जैसे कि एक सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है स्वपन दोस्त, तो भाई आप 24 घंटे लंगोट लगाओ और जल्दी उठो, ये समस्या कम से कम 70% आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया लंगोट का लिंक ब्रह्मचार्य से होता है। तो देखो ब्रह्मचार्य में तीन मोटी मोटी बातें होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती है, जिससे आपका शरीर बिल्कुल बदल जाएगा और आपके अंदर बल बनेगा। सबसे पहला है मूत्र इंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ ना करना। दूसरा है सुबह जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले। तीसरा है व्यायाम और ध्यान करना हर रोज। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका खाना पीना सुथरा, साफ सुथरा होना चाहिए। नमक मिर्च, ज़्यादा गर्म ठंडी चीज़, मसाला आदि, इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट से सबसे बड़ा फायदा आपको जो होगा कि आपके शरीर में बल का निर्माण होगा। जब आपके अंदर बल का निर्माण होगा तो फिर आप अच्छे से शरीर को तोड़ पाएंगे, जैसे पहलवान अच्छे से खूब मेहनत करते हैं। और जब वो खूब मेहनत करते हैं तो भाई उनके पाचन का साइज बढ़ता है, जिससे उनको भूख अधिक लगती है और फिर ग्रोथ जल्दी होती है। खैर ये पॉइंट अलग है, लास्ट में समझाऊंगा। दूसरा नियम है हैवी खुराक। पहलवान के खान पान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है मेरी स्टडी के हिसाब से, दही, दूध और घी और कच्ची सब्जियां, बस ये सबसे मेन है। पहलवान दिन में लीटर के आसपास दूध, आधा किलो दही, 2-4 चम्मच घी रखते थे पहले के समय की अगर मैं बात करूं, और आज भी यही नियम है। और अगर कोई साधारण युवा इसको फॉलो कर लेता है तो भाई उसका भी वजन बिल्कुल बढ़ेगा, ताकत बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि इस आहार में पूरे दिन का प्रोटीन, कैलोरीज पूरी होती है। और ये आहार वीरवान भी बनाता है शरीर को। इस आहार को खूब पहलवान लेते हैं जिससे वो अपना मसल्स वेट बढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ कहावत है एक, खुला खाना खुला नहाना, मतलब भाई जो आज के समय में सिस्टम चल रहा है माप माप कर खाना, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बल्कि एक नियम होता था कि जो आप रोटी खा रहे हो उसको गिनना मत। इसके पीछे का कारण क्या है वो तो मेरे को भी नहीं पता।
तीसरा है जीत और मेहनत। देखो पहलवानी में ये फिक्स नहीं होता कि एक घंटे का वर्कआउट है, नहीं बल्कि ऐसा होता है कि जब तक मेहनत करो जब तक शरीर ना टूटे। अब इससे क्या होता है कि जब पहलवान खाली पेट, क्योंकि पहलवान कभी भी अखाड़े में कुछ खाकर नहीं जाते, ये भी नियम है, जब पहलवान प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद भी अगर शरीर ना टूटे तो दंड बैठक लगाते हैं, मतलब पूरी तरह से शरीर तोड़ते हैं, जिससे होता यह है कि शरीर के अंदर से गंदगी निकलती है बाहर और भाई पहलवान शुद्ध हवा में वर्कआउट करते हैं, कुंभक के साथ दंड लगाते हैं जिससे मसल्स लॉस नहीं होती। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि शुद्ध हवा भाई, अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब अगर आप जिम में या फिर घर में बिना शुद्ध हवा के बिना सांसों पर ध्यान दिए वर्कआउट करोगे तो भाई मसल्स तो लॉस होगी ही, इसलिए लोग सप्लीमेंट लेते हैं ताकि मसल्स लॉस ना हो, इतने सप्लीमेंट बने हुए हैं, क्योंकि आप बिना नियम के वर्कआउट कर रहे हो। इस तरह पहलवान जब शुद्ध हवा में कुंभक के साथ वर्कआउट करते हैं तो वो अंदर से भी मजबूत होते हैं, मतलब एक तो सफाई हो जाती है पूरे शरीर की अंदर से आते वाते, और भाई पाचन का साइज भी बढ़ता है जिससे भूख अधिक लगती है पूरा दिन, और फिर जब पहलवान हैवी डाइट लेता है तो वो पूरे की पूरी उनको लगती है, उनकी मसल्स भारी बनती है, तगड़ा बनता है, और साइज ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ता उनकी मसल्स का क्योंकि वो हर रोज़ फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं एक ही मसल्स का। तो भाई देखो पहलवान हर रोज़ वर्कआउट इसलिए करते हैं, फुल बॉडी का वर्कआउट, मतलब हर एक मसल्स का जोर लगाते हैं वो। इसके पीछे कारण ये है कि पहलवानों को स्टैमिना बढ़ाना होता है, ताकत चाहिए होती है, और मसल्स को करड़ा करना पड़ता है, स्टैमिना बढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो हर रोज़ फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो देखो आप भी ऐसा कर सकते हो, पहले अपना मसल्स गेन कर लो, मसल्स गेन करने के बाद अपना स्टेमिना बढ़ा लो। तो भाई इसके लिए मसल्स गेन करने के लिए दंडों से मसल्स अगर गेन करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक दिन आपको मान लो चेस्ट के वर्कआउट करें, अगले दिन दूसरे दिन आप लेग वर्कआउट करो, तीसरे दिन आप दूसरे दंड लगाओ, हनुमान दंड, राममूर्ति दंड, ऐसे करके चौथे दिन आप पुलअप लगाओ, इस तरह एक बढ़िया वर्कआउट रूटीन तैयार कर लो, अलग अलग मसल्स की ताकत लगाओ और भरपूर ताकत लगाओ। ये नहीं है पहलवान भाई, आप कभी भी देखना कि पहलवान सबसे पहले दंडों का स्टैमिना बनाते हैं, एक एक हज़ार दंड, 500-500 दंड, इस तरह जब आप लगाने लग जाओगे तो भाई सिंपल सी बात है मसल्स का लेवल ही बदल जाएगा, मसल्स की शक्ल ही बदल जाएगी आपकी। तो आपको इस तरीके से दंड लगाने हैं अलग अलग करके, और जो मैंने भाई ऊपर तीन तरीके बताएंगे, मेरी स्टडी के हिसाब से यही वो तीन तरीके हैं जिनसे पहलवान अपनी मसल्स गेन, अपने अंदर बल और स्टैमिना बढ़ाते हैं। इन तीनों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो भाई अपने आप खुद अपने अंदर फ़र्क देख लेना, और आपका लीवर भी मजबूत हो जाएगा, आपकी बॉडी में ताकत भी बढ़ेगी, आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, और बढ़िया पहलवानों जैसी बॉडी बना सकते हो आप, अगर आपके पास दूध घी की खुराक है। अब वो बंदे भी आ जाते हैं जो दूसरा टिप्स फॉलो नहीं कर सकते, मतलब हैवी खुराक वाला, तो भाई देखो उसमें तो ऐसा होगा कि हैवी खुराक में आप अगर दूध घी नहीं है आपके पास तो आपको स्प्राउट की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्प्राउट जैसे अंकुरित चना दाल, इसमें क्या होता है ज़्यादा खाना पड़ता है, चना दाल बादाम केला दुख भरपूर खाना पड़ता है, तो ऐसे कैलोरीज पूरी करनी पड़ती है। बस ये वो तीन नियम हैं जो कि पहलवानों को ताकतवर बनाते हैं। बाकी अगली वीडियो आप सब भाइयों को किस पर चाहिए, एक ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा ब्रह्मचार्य पर, नोफैप पर। अगली वीडियो चाहिए तो भाई बेल आइकन दबा लेना जो सब्सक्राइब के पास है, उसको दबाओगे सब्सक्राइब करके तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।